लोकायुक्त पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में लोकायुक्त पुलिस द्वारा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रबंधक सलमान हैदर के यहां कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई ने लोकायुक्त पुलिस को चौंका कर रख दिया। दरअसल हैदर के यहां से नकदी तो कम मिली, लेकिन उसके घरों की अलमारियों में मकान, दुकान, प्लॉटों और फ्लैटों के दस्तावेज मिली हैं, जो उसकी करोड़ों रुपए की काली संपत्ति होने का प्रमाण है। सुबह 5 बजे लोकायुक्त पुलिस की टीम ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रबंधक हैदर के घरों पर कार्रवाई की। प्रथम दृष्टया जांच में 5 लाख रुपए नगद, गोल्ड, महालक्ष्मी नगर में दुकान, ग्लैमर हाईवे सिटी में 2 प्लॉट, विजयनगर स्थित जीवन अपार्टमेंट में 1 फ्लैट, गुलाब बाग कॉलोनी में 3 प्लॉट और इनोवा कार निकली है। कार्रवाई 4 टीमों में की गई है और दूसरी टीम कागदीपुरा स्थित मुस्कान अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर पर पहुंची, जहां उनकी पहली पत्नी रहती है। वहीं तीसरी छापेमारी छतरीपुरा पर की गई और चौथा नंदनवन विजयनगर माणिक बाग रोड स्थित उनके साले के यहां छापा डाला गया, क्योंकि लोकायुक्त पुलिस को ये जानकारी थी कि उन्होंने कई कारोबार व संपत्ति साले के नाम पर कर रखी। लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई में 50 से अधिक अफसर व कर्मचारी शामिल थे और उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रबंधक सलमान हैदर खान के यहां से करोड़ों रुपए की काली कमाई का पर्दाफाश किया।